नमस्कार दोस्तों, टारगेट है में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स भोपाल से दोस्तों एक बार फिर से भर्ती विज्ञापन आ चुका है। एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ इन फंडिंग बाय ICMR। तो दोस्तों, प्रोजेक्ट बेसिस पे भर्ती विज्ञापन जारी हुआ। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आपको इसमें पोस्टिंग दी जाएगी और भारत के सभी स्टेट के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर पाएंगे। ऑल इंडिया लेवल का ये भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब रहने वाली है। भारत के सभी राज्य के कैंडिडेट एलिजिबल रहेंगे इस भर्ती विज्ञापन में आवेदन करने के लिए। 21/11/2023 21 नवंबर को दोस्तों भर्ती विज्ञापन पब्लिश किया गया है और आपको एम्स में ही पोस्टिंग दी जाएगी। एलिजिबल कैंडिडेट आर इन्वाइटेड टू अटेंड रिटन टेस्ट, इंटरव्यू, स्किल टेस्ट। तो आपका इसमें रिटन टेस्ट या इंटरव्यू या फिर स्किल टेस्ट के माध्यम से सिलेक्शन होने वाला है। आपको डायरेक्टली इंटरव्यू में शामिल होना होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। साथ में आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पे दोस्तों आपको नोटिफिकेशन का PDF और अप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। आपको इसमें ऑफलाइन के माध्यम से आवेदन करना होगा। डायरेक्टली आपको इंटरव्यू में शामिल होना है उसके लिए दोस्तों आपको अप्लीकेशन फॉर्म की ज़रूरत पड़ेगी। अप्लीकेशन फॉर्म आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर पाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं इन्फॉर्मेशन की और इसमें हम देख लेते हैं पोस्ट कौन कौन से शामिल हैं, आपसे क्या क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा। तो नेम ऑफ द पोस्ट में देख सकते हैं प्रोजेक्ट रिसर्च साइंटिस्ट के लिए रहने वाला है। नॉन मेडिकल ये पोस्ट रहेगा, ये आपका प्रोजेक्ट का नाम है। और हम बात कर लेते हैं नंबर ऑफ पोस्ट का, तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट में दोस्तों एक ही पोस्ट शामिल है रिसर्च साइंटिस्ट फर्स्ट के लिए। और क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास फर्स्ट क्लास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन लाइफ साइंस के साथ होना चाहिए या फिर आपके पास सोशल साइंस या पब्लिक हेल्थ में आपके पास ये पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। और यदि दोस्तों आपके पास सेकेंड क्लास में PG डिग्री कंप्लीट है सेम सब्जेक्ट के साथ तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल रहेंगे। 35 ईयर्स आपको इसमें एज लिमिट दिया गया है और 56,000 दोस्तों आपको इसमें सैलरी दी जाएगी, प्लस 18% HRA भी दिया जाएगा। टोटल अगर सैलरी की बात करें तो 66,000 आपकी सैलरी मिलने वाली है। और नेचर ऑफ ड्यूटी के बारे में आपको बताया गया है, डाटा कलेक्शन करना है, कंडक्टिंग पार्टिसिपेट इंटरव्यू और क्लिनिकल केस रिकॉर्डर मेंटेनेंस, टेक्निकल सपोर्ट फॉर डेल्फी प्रोसेस, ये सारी चीज़ें आपको इस पोस्ट में करना होगा। वर्क आपको बताया गया है, ड्यूरेशन के लिए भी आपको बता दिया गया है। द अपॉइंटमेंट विल बी ऑन टेम्परेरी बेसिस फॉर पीरियड ऑफ 1 ईयर बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन फर्स्ट ईयर। द अपॉइंटमेंट कुड बी एक्सटेंड टिल द एंड द प्रोजेक्ट ऑफ ड्यूरेशन प्रोजेक्ट विच एवर। तो दोस्तों, ये आपके परफॉर्मेंस के हिसाब से इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट पोस्ट की, तो प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट थर्ड के लिए है। नंबर ऑफ पोस्ट एक शामिल है, आपके पास 3 ईयर का ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए लाइफ साइंस सब्जेक्ट के साथ और 3 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। और यदि आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है लाइफ साइंस से तो आप विदाउट एक्सपीरियंस के भी अप्लाई कर सकते हैं। और सैलरी इसमें आपको 28,000 रुपये प्लस 18% HRA, टोटल 33,000 आपको सैलरी दी जाएगी। 35 ईयर्स आपको इसमें एज लिमिट दिया गया है और 1 ईयर के लिए दोस्तों आपको इसमें पोस्टिंग दी जाएगी। हम नेक्स्ट पोस्ट की बात कर लेते हैं, तो प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट फर्स्ट के लिए है, ये आपका प्रोजेक्ट का नाम है। और नंबर ऑफ पोस्ट इसमें 2 शामिल है। नेक्स्ट हम इसमें बात करें क्वालिफिकेशन की, तो आपके पास 10th पास होना चाहिए साइंस स्ट्रीम फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड विथ डिप्लोमा आपके पास कंप्लीट होना चाहिए MLT या DMLT में। और 2 साल का आपका इसमें सेम फील्ड में एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, 2 साल का आपसे इसमें एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है। आपके पास दोस्तों डिप्लोमा होना चाहिए, DMLT कंप्लीट है अगर आपका तो आप इसमें आवेदन कर पाएंगे, या फिर आपके पास BMLT है तब भी दोस्तों आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। और एज लिमिट की बात करें तो 28 ईयर्स एज लिमिट दिया गया है। साथ में आपको इसमें एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा अकॉर्डिंग ICMR और 18,000 रुपये आपकी सैलरी रहेगी प्लस 18% आपको HRA दिया जाएगा। टोटल 21,240 रुपये आपको सैलरी दिया जाएगा। और नेचर ऑफ ड्यूटी में देख सकते हैं इंटर ऑफ मेंटेनेंस ऑफ डाटा रिलेटेड
ऑफ द रिसर्च प्रोजेक्ट, प्रिपरेशन ऑफ डाटा समरी, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ये सारी चीज़ें आपको इसमें करना पड़ेगा नेचर ऑफ ड्यूटी में। और ड्यूरेशन देख लेते हैं, तो 1 ईयर के लिए आपको पोस्टिंग दी जाएगी और आपका अगर परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो एक्सटेंड भी किया जा सकता है। अब दोस्तों इसमें बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, तो सिलेक्शन आपका रिटन एग्ज़ाम या फिर इंटरव्यू के माध्यम से आपका इसमें सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन वेन्यू में देख सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ फार्माकोलॉजी सरदार वल्लभ भाई पटेल बिल्डिंग मेडिकल कॉलेज एम्स भोपाल में दोस्तों आपका ये इंटरव्यू होगा। और जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आपको किसी भी प्रकार का दोस्तों वहाँ पे नो TDA विल बी पेड फॉर अटेंडिंग द वॉकिन इंटरव्यू। आपको वॉकिन इंटरव्यू में शामिल होने के लिए TDA नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं दोस्तों डेट एंड टाइम ऑफ रिटन टेस्ट या इंटरव्यू के लिए। तो एप्लीकेशन फॉर्म फिलेड एंड स्कैन टू बी सेंड ऑन द ईमेल ID। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ईमेल के माध्यम से आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करना होगा। एप्लीकेशन फॉर्म आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर पाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक दोस्तों आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके अपना आवेदन सेंड कर पाएंगे ईमेल के थ्रू। और इसमें आपको बता दिया गया ये आपका ईमेल आईडी है, इस ईमेल आईडी में आपको अपना आवेदन सेंड करना होगा। लास्ट डेट की बात करें तो सेकेंड नंबर पे देख सकते हैं लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन 10/12/2023। 10 दिसंबर तक दोस्तों आपको समय दिया गया आवेदन करने के लिए। आपको ऑनलाइन के माध्यम से सबसे पहले आवेदन करना होगा। इसके बाद दोस्तों आपको इंटरव्यू में शामिल होना है। तो थर्ड नंबर पे देख सकते हैं ऑल द कैंडिडेट शुड रिपोर्ट ऑन द डेट ऑफ इंडिकेटेड अगेन दो दी पोस्ट ऑन 23/12/2023। तो दोस्तों आपका जो इंटरव्यू या रिटन टेस्ट होगा वो 23 दिसंबर को आपका वहाँ पे रिटन टेस्ट होगा। सबसे पहले आपको अप्लाई करना होगा 10/12/2023 10 दिसंबर तक, और वहाँ पे आपका रिटन टेस्ट या इंटरव्यू हो सकता है। रिटन टेस्ट के लिए भी आपको इसमें बताया गया है इफ़ मोर नंबर ऑफ कैंडिडेट, अगर वहाँ पे अधिक कैंडिडेट हो रहे हैं किसी भी पोस्ट के लिए तो फिर वहाँ पे आपका रिटन टेस्ट लिया जाएगा, नहीं तो आपका इंटरव्यू के माध्यम से वहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। और एड्रेस मैं आपको बता चुका हूँ, ये आपका सिलेक्शन वेन्यू में जो है वही आपका एड्रेस है डिपार्टमेंट ऑफ फार्माकोलॉजी सरदार वल्लभ भाई पटेल बिल्डिंग। इस एड्रेस पे आपको अपने इंटरव्यू के लिए जाना होगा और एप्लीकेशन फॉर्म साथ में नोटिफिकेशन का PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन होकर ये दोनों PDF डाउनलोड कर पाएंगे। मैं आपको बता दिएगा क्या क्या आपको लेके जाना है। द कैंडिडेट सेल रिपोर्ट फॉर अपेयरिंग इन द इंटरव्यू एग्जाम स्किल टेस्ट विथ फिलेड एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म आपको उसका कॉपी लेके जाना होगा जो आप फिल करेंगे, साथ में सेल्फ अटेस्टेड फोटो कापी आप प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, क्लास 10th की सर्टिफिकेट ले जा सकते हैं प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ के लिए, और या फिर स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट और अपना क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट, मार्कशीट, डिग्री, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और क्वालिफाइंग डिग्री, रजिस्ट्रेशन विथ अदर जितने भी आप डॉक्यूमेंट हैं वो आपको लेके जाना होगा। आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी लेके जाना है और वहाँ पे एक सेट फोटो कापी लेके जाना होगा सेल्फ अटेस्टेड करके। और ये आपको बता दिया गया है दोस्तों क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है। 5 नंबर में देख सकते हैं आपको एप्लीकेशन फ़ीस के लिए बताया गया है, तो एप्लीकेशन फ़ीस इसमें नील रखा गया है। तो दोस्तों इस PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाएं। टेलीग्राम चैनल पर आपको नोटिफिकेशन का PDF साथ में एप्लीकेशन फॉर्म का भी PDF मिल जाएगा। दोनों की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल में जुड़ने के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो पाएंगे। और दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।